हेलो तो हमने यहाँ पर एक रोशनदान दिया है पोर्च वाली साइड पर, ताकि इसके थ्रू टॉयलेट की स्मेल वगैरह बाहर एग्जॉस्ट भी हो और रोशनी भी टॉयलेट के अंदर आती रहे। तो दोस्तों अब हम इससे बाहर आते हैं, तो आपको इससे थोड़ा सा हम आगे जाएंगे इस गली से, तो आपको लेफ़्ट साइड पर यहाँ पर एक लिविंग एरिया मिल रहा है, जहाँ पर आप अपने सोफ़ा सेट कर सकते हैं, सामने वॉल पर टीवी लगा सकते हैं, पूरे घर वालों के साथ बैठ कर यहाँ पर टीवी देख सकते हैं और अपने गेस्ट को भी यहीं पर बिठा कर सर्व कर सकते हैं। दोस्तों इस जगह की चौड़ाई तकरीबन 10 फीट है, जबकि 9 फीट इसकी लंबाई है। दोस्तों इसी में हम आगे चलें तो आपको यहाँ पर एक छोटी सी 3 फीट की गैलरी नज़र आ रही है। इसमें जो आपको ये वाला डोर नज़र आ रहा है दोस्तों, ये हमारे किचन का है, जाली वाला डोर। इसमें एंटर होते हैं तो आपको तकरीबन 8 फीट चौड़ाई और 6 फीट लंबाई का किचन मिलेगा। दोस्तों इसमें भी आपके वॉश बेसिन, आपके चूल्हे, अलमारियाँ वगैरह इजीली एडजस्ट हो जाएंगी, प्लस टॉयलेट की तरह यहाँ भी वेंटिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमने यहाँ पर दोस्तों एक रोशनदान दिया है, ताकि इसके थ्रू किचन की जो स्मेल और स्मोक होती है वो बाहर एग्जॉस्ट हो, घर के अंदर ना फैले, क्योंकि बाकी साइड्स पर किसी और के घर हैं दोस्तों इस तरफ। तो हमने यहाँ पर एक ओटीएस छोड़ा हुआ है, तो इसी की तरफ से एक रोशनदान यहाँ पर लग जाएगा। तो दोस्तों अब हम इससे बाहर आते हैं, तो इसके बिल्कुल लेफ़्ट साइड पर जो आपको डोर नज़र आ रहा है ये वाला, दोस्तों ये हमारे घर के मास्टर बेडरूम का है। इसमें एंटर होंगे तो आपको तकरीबन 11 फीट चौड़ाई और 10 फीट लंबाई का मास्टर बेडरूम मिलेगा। दोस्तों इसमें यहाँ पर आपका बेड इजीली एडजस्ट हो जाएगा, सामने आपकी अलमारियाँ वगैरह आ जाएंगी, प्लस दोस्तों आप अपना ड्रेसिंग टेबल्स भी यहाँ पर रख सकते हैं। प्लस दोस्तों इस बेडरूम में भी वेंटिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि ताज़ा हवा और रोशनी आती रहे, तो उसके लिए हम यहाँ पर एक विंडो देंगे। दोस्तों थोड़ा सा आगे चलेंगे तो आपको यहाँ पर एक विंडो मिल रही है इस जगह में, ताकि इसके थ्रू बेडरूम में ताज़ा हवा और रोशनी आती रहे। उसी ओटीएस की तरफ से दोस्तों विंडो लग जाएगी। तो ये था दोस्तों मास्टर बेडरूम। और इससे बाहर आते हैं तो इसके डोर के बिल्कुल सामने आपको इस गली में सेकेंड डोर नज़र आ रहा है दोस्तों, ये वाला। दोस्तों ये तकरीबन 3 फीट का डोर है सेकंड बेडरूम का। इसमें एंटर होते हैं तो आपको 10 फीट बाय 10 फीट का सेकंड बेडरूम मिलेगा ग्राउंड फ्लोर पर। दोस्तों इसमें भी सेटिंग्स आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपका बेड, अलमारियाँ, आपके कंप्यूटर टेबल्स वगैरह इसमें इजीली आ जाएंगे। प्लस विंडो इसमें भी हमने दी है यहाँ पोर्च वाली साइड से, ताकि इसके अंदर ताज़ा हवा और रोशनी इस विंडो के थ्रू आती रहे। तो दोस्तों ये था 20 बाई 30 फीट के प्लॉट के लिए ग्राउंड फ्लोर का नक्शा। आई होप दोस्तों आपको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स में ज़रूर बताइए। कोई मिस्टेक नज़र आती है तो वो भी बताएं दोस्तों। मैं आपको किसी और वीडियो में मिलूँगा, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। गुड बाय।